दोस्तों, चुनाव की सरगर्मी में पंचायत चुनाव का बुखार ही कुछ गजब का होता है, क्योंकि यह चुनाव जमीन से जुड़ी हुई चुनाव है, गांव का चुनाव है और गांव वाले इसे बहुत ही पर्सनली लेते हैं। इसी चुनाव में उम्मीदवारी कर रहे सरपंचों की गांव के प्रति विकास का जो मंसूबा है वो जानेंगे आज। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं मुकेश, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द रियल वर्ड्स में। और आज हम खड़े हैं ग्राम मरौद, विकासखंड कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में, और हमारे साथ है सरपंच जो ग्राम मरौद के उम्मीदवारी कर रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहे हैं, श्री मोहन लाल सिन्हा जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल दरिया में। और जो ये पंचायत चुनाव है उसका बुखार तो सभी गांव में बहुत ही गजब का चल रहा है, तो आप इस ग्राम पंचायत मरौद का उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो आपका मतलब गांव के प्रति विकास का मंसूबा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। अब क्या आपके मंसूबा है कि गांव का कौन सा विकास आप कराना चाहते हैं? अगर आपकी सत्ता आती है, आपकी पावर में आता है, पंचायत की पावर में आते हैं, तो कौन से विकास आप कराना चाहेंगे गांव का? गांव पंचायत मरौद के आगामी 5 वर्षों में जी किए जाने वाला कार्य का घोषणा। अच्छा अच्छा, ग्राम पंचायत में किसान के ऊपर लिए पंचायत द्वारा व्यवस्था करना। अच्छा अच्छा, ग्राम पंचायत में। अच्छा, ये हमारे सिन्हा जी का घोषणा पत्र है, आपको दिखाएंगे लास्ट में, हम हमारे वीडियो के बगल में आपको दिखाएंगे। हमारे सिन्हा जी बता रहे हैं कि क्या क्या उनका मंसूबा है गांव के विकास के, ग्रामीण के विकास में। सिन्हा जी, ग्राम पंचायत के तालाब में नहर से पाइप द्वारा निराश्रित के व्यवस्था जितु जल भंडार का व्यवस्था सुनिश्चित करनी, योजना अधीन पात्र हितग्राही को आवास के सुनिश्चित कराना जी, मतलब जिला पात्र ने मिले है बोला व्यवस्था करना। अच्छा, आवास का जो हितग्राही है उनको आवास दिलाने का व्यवस्थित करना है ना। शासन की व्यवस्था, पेंशन योजना लाभ के साथ सभी पात्र हितग्राही उपलब्ध कराना। अच्छा हाँ, मतलब जो भी ग्राही 7 साल जी, मेरे हाथ में भी है ये श्री सिन्हा जी का घोषणा पत्र, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ श्री सिन्हा जी का घोषणा पत्र। पहला नंबर पर है इनका, ग्राम का आवारा मवेशियों की जो उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना है ना सिन्हा जी। दूसरे नंबर पर है, ग्राम के तालाबों में नहर से पाइप द्वारा निस्तारी की व्यवस्था, जल भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये सिन्हा जी की दूसरी घोषणा है। तीसरी इनकी घोषणा है, शासकीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन पात्र हितग्राहियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सिन्हा जी की तीसरी जो विकास की उपलब्धि है। और शासन की वृद्धा पेंशन योजना का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराना इनकी चौथे नंबर का घोषणा है। और पांचवे नंबर का इनका घोषणा है, शासन के नल जल योजना जो कि चल रही है के तहत वर्तमान में आ रही कठिनाइयों को दूर करना, क्योंकि बहुत जगहों में पानी अभी पहुंच नहीं पा रही है, ग्राम मरौद में ये समस्या बनी हुई है। और इनके छठे नंबर पर ग्राम के गंदे पानी की निकासी, जी हाँ ये बहुत बड़ी समस्या है ग्राम मरौद में, गंदे पानी की निकासी बहुत ही जो क्षेत्रीय अतिक्रमण के कारण गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही, उनकी सिन्हा जी निकासी की व्यवस्था कराएंगे, इसकी सुनिश्चित करेंगे। और सातवें नंबर पर है, ग्राम पंचायत के खेतों की मेड़ों पर लगे वृक्षों की, हाँ जी बहुत बड़ी अच्छा इनकी मंसूबा है इनकी जो विकास करने की, ग्राम पंचायत के खेतों के मेड़ों पर लगे वृक्षों की अवैध कटाई एवं चोरी के प्रकरण पर अपराधियों के ऊपर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करना इनकी सातवें नंबर की घोषणा पत्र है। और आठवें नंबर पर है इनका, सॉरी नौवें नंबर पर है, माता शीतला के मंदिर में मुख्य द्वार पर निर्माण करवाना, ये और सिन्हा जी वैसे भी माँ शीतला के निर्माण में शुरू से ही लगे हुए हैं। और दसवें नंबर पर है इनका, ग्राम के अंदर स्वागत द्वार का निर्माण करवाना जी। और ग्यारहवें नंबर पर है, माता शीतला के मंदिर में पानी की व्यवस्था करना हेतु नलकूप खनन करवाना, जी हाँ नलकूप खनन करवाना। और 12वें नंबर पर है, ग्राम पंचायत में संचालित शासकीय अर्धशासकीय स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं की समस्याओं का प्रमुखता से निराकरण करना। और ये कुल मिला के 12 घोषणा करी है हमारे सिन्हा जी, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है ग्राम पंचायत मरौद के,
चार उम्मीदवार उम्मीदवारी कर रहे हैं ग्राम पंचायत मरौल में सरपंच के लिए, जिसमें से निर्दलीय उम्मीदवार हमारे इस वीडियो में हम इंटरव्यू ले रहे हैं श्री मोहन लाल सिन्हा जी, जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार है। जी सिन्हा जी, तो आप जो ये घोषणा पत्र है उनको, अगर आप पावर में आते हैं, आप सत्ता में आता है, आप अगर ग्राम प्रधान बनते हैं तो ये आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाए? मतलब आप हमारे सिन्हा जी बोल रहे हैं कि ये जो 12 घोषणा इन्होंने की है इस पत्र के माध्यम से, बकायदा लिखित में है, और इनका चुनाव चिन्ह आप बता दीजिए। गिलास जी, गिलास छाप है, गिलास छाप में अगर मत देकर हमारे सिन्हा जी को विजयी बना सकते हैं, मतदान आपके मत के अनुसार से। हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे। और हमारे सिन्हा जी को बारंबार धन्यवाद देते हैं जो हमारे चैनल पर आए। ग्राम मरौत के निर्दलीय उम्मीदवार मोहनलाल सिन्हा जी को हम बारंबार धन्यवाद सिन्हा जी।